आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लोटे माछ और झूरी। दोस्तों लोटे माछ जो है बेसिकली बॉम्बिल है, इसी मच्छी का आज मैं डिश बना के दिखाने वाला हूँ। ये एक बंगाली डिश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफ मिंटू, आपको स्वागत है शेफ मिंटू किचन पर। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बॉम्बिल फिश लिया है 500 ग्राम। मच्छी को अच्छा से साफ करके ले लिया है। मच्छी को हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए हमने डाला है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डाल के हमने अच्छे से मैरिनेशन करके रख लिया है। अभी हमने लिया है एक पैन, पैन में हमने डाला 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे साबुत जीरा 1/4 टीस्पून। डालने के बाद थोड़ा सा तड़कने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्लाइस ऑनियन। हमने लिया है 3 मीडियम साइज का ऑनियन, उसी का हमने स्लाइस करके लिया है। ऑनियन को थोड़ी देर सौते करेंगे। ऑनियन को सौते करने का टाइम पे हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी देर हम अच्छे से सौते करेंगे। जब हमारा ऑनियन है ये हल्का सा नरम हो जाए, अभी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का चॉप। लहसुन चॉप डालने के बाद हमने अच्छे से सौते कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली बारीक कटा हुआ डाल के हम अच्छे से सौते कर रहे हैं। ऑनियन हमारा नरम हो चुका है, बिल्कुल ऐसे नरम कर लेना है। फिर उसके बाद हमें डालना है 1 टेबल स्पून अदरक चॉप और साथ में डालेंगे 1 मीडियम साइज टोमाटो बारीक कटा हुआ डाल के हम अच्छे से फिर से सौते करेंगे। टमाटो थोड़ा सा नरम हो जाए तब तक हम सौते करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। अभी हम डालेंगे दोस्तों देगी मिर्ची पाउडर हाफ टेबल स्पून। डालने के बाद थोड़ी देर और सौते कर लेंगे। मसाले को थोड़ा भूनेंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर और पकाना है। हमारा मसाला हल्का ग्रेवी जैसे बन चुका है। अभी हम जो मैरिनेशन करके रखा था फिश को एक एक करके हम डाल देंगे इसके ऊपर। मसाले के ऊपर डालने के बाद थोड़ी देर हल्के हल्के हाथों से घुमा देंगे। देने के बाद ढक्कन से ढक देना है 5 मिनट के लिए। हल्के आंच पे 5 मिनट तक आपको कुक कर लेना है। देखिए जैसे मैंने किया, उसके बाद ढक्कन खोल के जो मच्छी है मच्छी का ऊपर से मांस हटा देना है और जो उसका कांटा है कांटे को निकाल देना है। देखिए दोस्तों जैसे मैं निकाल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही हल्के हल्के से आपको मांस को हटा के कांटे को निकाल देना है। ऐसे हम सारे मच्छी का कांटे निकाल देंगे। इसमें क्या होगा, जो बारीक बारीक भी कांटा रहता है वो कांटे भी निकल जाते हैं। बहुत अच्छे से हमने कांटे को निकाल दिया है। अभी हमें जो पानी है इसको सुखाना है, इसलिए हमने थोड़ा गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। जब तक आपका ये पानी सूख ना जाए तब तक आपको भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने भुना बिल्कुल ऐसे ही आपको भून लेना है। साथ में अभी डालना है 2 टेबल स्पून धनिया चॉप। जो धनिया का पत्ता है उसको बारीक काट के हमने डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऐसे ही बनाइए और कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो झूरी बनाया है हमने, ये झूरी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। आपको जैसे पसंद है आप वैसे खाइए। अभी दोस्तों हमें प्रेजेंटेशन करना है। प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने एक बॉल ले लिया है। इस बॉल में हम प्रेजेंटेशन करेंगे।
फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।